चलो चैप्टर नंबर 14 में लास्ट हमने पेज नंबर 110 फिनिश किया था, राइट। मिनरल्स कौन से स्टेट में कौन कौन से मिलते हैं, ठीक है, वो सब कुछ खत्म किया था। नाउ पेज नंबर 111 सोइल। वी नो दैट सोइल इज द बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। जहां की सोइल अच्छी होगी, सोइल फर्टाइल होगी, वहीं पर एग्रीकल्चर अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज बेसिक रिसोर्स फॉर एग्रीकल्चर। और हमारा इंडिया है वो पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। बिसाइड्स एग्रीकल्चर सोइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सोइल इज अ थीन लेयर फॉर्म्ड ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ की सर्फेस पर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ है पतला लेयर है। सोइल का पतला सा लेयर होगा, पतला मतलब इतना पतला ऐसा नहीं बोल रही, ठीक है। पतला लेयर मतलब आधा मीटर जितना, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या होगा, रॉक्स शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सोइल का ऊपर का थोड़ा सा ही होगा 50 सेंटीमीटर जितना, ठीक है। फिर आप खोदोगे तो नीचे से क्या मिलेगा, रॉक्स निकलेंगे, ठीक है। ये जो सोइल है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर का कॉम्बिनेशन बोला है। तो इनऑर्गेनिक मैटर्स मतलब मिट्टी वगैरह, इनऑर्गेनिक वो होती है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब हमने देखा था ह्यूमस, याद होगा, सॉरी ह्यूमस, ठीक है। अगर आपने देखा होगा साइंस में ह्यूमस किसे बोलते हैं, डेड ऑर्गेनिक्स, इंसेक्ट्स या तो एनिमल्स या तो ह्यूमन बीइंग, किसी का भी डेड बॉडी सड़कर जो निकलता है दैट इज ह्यूमस। वो अगर मिट्टी में मिलता है तो लैंड को क्या बनाता है, बहुत ज्यादा फर्टाइल। क्लियर ना। सोइल इज रिलेटेड टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द सेम वे इज द एप्पल विथ इट्स स्किन। एप्पल के ऊपर जैसे उसकी स्किन जुड़ी होती है, वैसे ही अर्थ के ऊपर उसकी क्या है, सोइल है। द थीन लेयर ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सोइल। ऊपर का जो थीन लेयर है उसे क्या बोलते हैं, सोइल बोलते हैं। सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्म कैसे होता है, नाइन्थ आपके साइंस में डिटेल में पढ़ोगे, शायद वो चैप्टर हो भी गया होगा, साइंस में आएगा सोइल फॉर्मेशन डिटेल में आएगा। कौन कौन से अभी वो चैप्टर नहीं हुआ होगा आपका, आएगा आगे डिटेल में आएगा कि कौन कौन सी मेथड्स है जिसकी वजह से सोइल फॉर्म होती है, ठीक है। सोइल इज द रिजल्ट ऑफ डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स। डेन्यूडेशन ऑफ रॉक्स मतलब रॉक्स टूटेंगे, उसके टुकड़े होते जाएंगे, ठीक है। बड़ा रॉक दो टुकड़े में डिवाइड होगा, फिर उसके छोटे 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 टुकड़े बनते जाएंगे और लास्ट में वो क्या हो जाएगा, पाउडर जैसा, ठीक है। तो ये रॉक्स के टूटने की वजह से सोइल फॉर्म होती है। द रॉक सरफेस इज इरोडेड ड्यू टू फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, वे, स्नो, एयर, वेजिटेशन एंड इंसेक्ट्स एंड इट इन टर्न्स इन टू पाउडरी फॉर्म। रॉक से वो कितने सारे फैक्टर्स, देखो टेम्परेचर, रेन, स्नो, एयर, वेजिटेशन, इंसेक्ट्स, बराबर, इन सबकी वजह से वो ब्रेक होते हैं और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाउडरी फॉर्म में। टेम्परेचर से कैसे होगा, डे और नाइट का टेम्परेचर अलग अलग होता है, ठीक है। दिन में हाई टेम्परेचर की वजह से वो क्या होगा, उसमें से सारा वो मॉइस्चर निकल जाएगा तो वो क्रैक हो जाएगा। रात में ठंड होता है तो फिर से वो ठंडा होगा, ऐसे गरम ठंडा होने की वजह से उसमें क्या आ जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। फिर रेन की वजह से ऑब्वियसली हमने देखा होगा कि बड़ा सा पत्थर पड़ा हो और 2-3 साल तक उसके ऊपर रेन पड़ता रहे तो थोड़ा बहुत तो वो छोटा होता है, ठीक है। रेन ड्रॉप्स जोर से उसके ऊपर गिरेंगे तो चीजें क्या होती है, टूटती है, ठीक है। फिर स्नो की वजह से भी होता है, क्योंकि स्नो में पत्थर क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा, जब स्नो चला जाएगा तो फिर से गर्म होगा। टेम्परेचर और स्नो में सेम होता है, हवा के बहाव से पत्थर क्या होता है, घिसता है, ठीक है। फिर वेजिटेशन, आपने कई बार देखा होगा कि पत्थर में से कुछ उगकर बाहर निकलता है, ठीक है, और उसकी जड़ें उसमें क्या होती है, रूट्स उसमें जमते जाएंगे तो रूट्स की वजह से वो पत्थर क्या होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, ठीक है। फिर इंसेक्ट्स उसकी वजह से भी होता है। फिर नदियों के आसपास जो पत्थर होते हैं वो पानी के बहाव की वजह से टूटते हैं, होते हैं कि नहीं,
ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से रॉक से वो टूटने लगते हैं, ब्रेक्स होते हैं और फाइनली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोइल, ठीक है। दस इट फॉर्म्स द लैंड लेयर। इन दिस लेयर देर आर ग्रेवल्स, स्मॉलर स्टोन्स, पेबल्स, सोइल पार्टिकल्स एटसेट्रा, ठीक है, विच आर नोन एज रेगोलिथ। एक साथ सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, रेगोलिथ। इट कंटेन्स ओनली मिनरल कंटेंट्स, देन द बायोटिक मैटर। हाँ, पत्थर में से जो सोइल बनता है उसमें ओनली मिनरल्स होगा, ऑर्गेनिक या तो बायोटिक मैटर नहीं होगा, वो सब क्या होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, ठीक है। अब ऑर्गेनिक या तो बायोटिक मैटर कैसे मिलता है, देन द बायोटिक मैटर एयर एंड वॉटर आर मिक्सड विथ इट। एयर और वॉटर, पहले सोइल रॉक होता है तब वो ओनली मिनरल होता है, फिर टूटता है तो धीरे धीरे उसमें वॉटर एयर मिलता है, बायोटिक मैटर मिलती है पाउडरी फॉर्म में। इंसेक्ट्स या तो एनिमल्स या तो किसी भी डेड बॉडी जब उसमें मिलती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलता है, ठीक है। फाइनली सोइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस मिक्सचर। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। एक दो दिन में सोइल नहीं बन जाती, पत्थर इतना जल्दी टूटता है, हवा या पानी की वजह से, रेनफॉल की वजह से पत्थर टूटते हैं, पर दो चार दिन में पत्थर टूटकर पाउडर बन जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, थोड़े सालों तक उस पर कंटिन्यू वो प्रोसेस होता रहेगा, बाद में वो टूटेगा, ठीक है। सोइल्स इन इंडिया, सोइल्स इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स टाइप्स। अलग अलग सिक्स टाइप्स की सोइल्स इंडिया में देखने को मिलती है, एल्यूविलियल सोइल, ब्लैक और रेगुलर सोइल, रेड सोइल, लेटेराइट सोइल, माउंटेन सोइल एंड डेजर्ट सोइल। देखो नीचे आपको फिगर में दिया गया है, येल्लो जो दिखाई है वो एल्यूविलियल सोइल है, ठीक है। फिर एकदम लाइट रेड जैसा, पिंक जैसा दिया है वो ब्लैक सोइल है, फिर ऑरेंज जैसा दिया है डार्क वो रेड सोइल है, फिर ग्रीन है लेटेराइट सोइल, फिर ब्राउन कलर है फॉरेस्ट सोइल, और जो ब्लू कलर की दी है वो क्या है, डेजर्ट सोइल, ठीक है। फॉरेस्ट सोइल सबसे ज्यादा कहां पर है, हिमालयन रीजियन में देखो, ठीक है। और दूसरी जगह पे भी फॉरेस्ट है पर इतना बड़ा नहीं है, तो छोटे छोटे होंगे तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बड़े बड़े पार्ट्स ही दिखाए थे, ठीक है। तो इंडिया में ऊपर का आप कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश आप ले लो, नीचे यहाँ पर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उन सब का क्या है, ब्राउन कलर दिखाया है, तो वो क्या आएगा, फॉरेस्ट सोइल आएगा, ठीक है ना। सबसे पहला एल्यूविलियल सोइल। एल्यूविलियल सोइल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक तो खदार एंड दूसरा बंगाल, ठीक है। द सोइल फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्रेश एल्यूविलियल डिपोजिट इज नोन एज खदार सोइल। एज दिस सोइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिवर फ्लड्स, इट इज फाउंड मोस्टली नियर बाय द रिवर्स। एल्यूविलियल सोइल का मतलब क्या होता है, जो रिवर के बहाव के साथ जो मिट्टी बहकर आई है, ठीक है, फिर पानी निकल जाएगा और मिट्टी वहां पर नीचे जमकर रह जाएगी, उससे जो सोइल मिलता है उसे क्या बोलते हैं, एल्यूविलियल सोइल, ठीक है। तो क्या बोला है, द सोइल फॉर्म्ड ड्यू टू द फ्रेश एल्यूविलियल डिपोजिट, पुरानी पड़ी ना हो और हर साल फ्रेश आता हो उसे क्या बोलेंगे, खदार सोइल, ठीक है। एज दिस सोइल इज फाउंड ड्यू टू द रिवर फ्लड्स, इट इज फाउंड मोस्टली नियर बाय द रिवर्स। रिवर में जो फ्लड्स आते हैं उसकी मदद से वो सोइल बनती है, सोइल के साथ बहकर जो मिट्टी आएगी उससे बनता है, ठीक है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, इसीलिए वो हमेशा नदी के आसपास ज्यादा देखने को मिलती है। जनरली सच सोइल इज सेंडी, क्योंकि पानी में बहकर सेंड बहुत ज्यादा आती है, तो ऐसी सोइल क्या होती है, ज्यादातर सेंडी होती है। सोइल कंटेनिंग ओल्ड एल्यूवियम इज द इन द अपर वैली रीजन ऑफ अ रिवर इज कॉल्ड बंगार सोइल। पानी बहकर नीचे आ गया तो नए डिपोजिट जहां पर बह के आया है वहां पर होगी, और जो पुराने रीजन जहां से पानी बहकर आया है वहां पर पुरानी एल्यूविलियल सोइल होगी, क्योंकि ऊपर का लेयर तो बहकर निकल गया है, ठीक है। तो जो ओल्ड एल्यूविलियम बचा है उसे क्या बोलेंगे हम, खदार सॉरी ये बंगार सोइल, ठीक है। इट इज स्टिकी एंड हैज डार्क कलर, स्टिकी मतलब एकदम चिकनी होती है और डार्क ब्लैक कलर की होती है। एल्यूविलियल सोइल इज सीन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देयर फर्टिलिटी इज ऑल्सो डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि हर एक जगह पर जो पानी से बहकर आई लैंड होगी वो अपने साथ साथ नई चीजें ऊपर से बहाकर लेती जाएगी,
तो जो बचेगी वो अलग अलग होगी, इसलिए हर एक जगह पे एल्यूविलियर सोयल का जो फर्टिलिटी है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जनरली सच सोयल इज वेरी फर्टाइल, इट इज फाउंड इन पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एटसेट्रा। पीछे देखो येलो कलर की दिया है, गुजरात में भी बहुत सारा एल्यूविलियर सोयल है। ठीक है, नाउ ब्लेक सोयल, क्या येलो कलर नहीं दिख रहा, वेली नहीं है पर पानी के बहाव से आती है ना, वेली की जरूरत नहीं है बेटा, वो रिवर के साथ बहकर जो मिट्टी आती है वो। ठीक है, नाउ ब्लैक सोयल, दिस सोयल इज फाउंड मोस्टली इन महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ब्लैक सोयल इज द गिफ्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर जो प्लेट है मतलब साउथर्न पार्ट, उसकी मदद से ये ब्लैक सोयल बना है। ठीक है, दिस सोयल इज वेरी स्टिकी एंड फर्टाइल, इट कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ प्रोलोंग टाइम, उसके अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा टाइम तक रह सकती है। एक बार आपने किसी क्रॉप को पानी किसी फार्मर ने दिया है तो जल्दी से फिर नहीं देना पड़ेगा, थोड़े टाइम तक वो पानी अपने आप में कलेक्ट कर रखती है। ठीक है, इसलिए वो क्या है, ह्यूमिड सोयल है। ठीक है, नाउ इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इग्नीशियस रॉक एंड इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। इग्नीशियस रॉक मतलब पहले, बहुत साल पहले, हजारों साल पहले जब अर्थक्वेक आया होगा उसकी वजह से जो मैग्मा है उसके बाहर आया होगा, फिर वो ठंडा पड़ गया, उसकी वजह से जो सोयल निकली वो, उसे क्या बोलते हैं, इग्नीशियस रॉक्स। ठीक है, नाउ इज वेरी यूजफुल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, इस टाइप की लैंड में कॉटन बहुत ज्यादा होता है, यस कपास, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम फेमस एज ब्लैक कॉटन सोयल। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलर सोयल। ठीक है, देखो यहाँ पर ब्लैक सोयल दिया है आपको, पिंक कलर जैसा, लाइट रेड जैसा, गुजरात में बीच का पार्ट, सौराष्ट्र का पार्ट देखो, वहां पर ब्लैक सोयल है। ठीक है, फिर बहुत सारा मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, पेनिनसुलर प्लेट में बहुत सारा पार्ट है जो ब्लैक सोयल का है, दिख रहा है। ठीक है, नाउ रेड सोयल, सच सोयल इज फाउंड इन रीजियस ऑफ इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, इट्स रेड कलर इज ड्यू टू इट्स फेरस एंड अदर ह्यूमस कंटेंट। इस टाइप की सोयल में फेरस मतलब आयरन बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से वो रेड कलर का है। ठीक है, और ह्यूमस कंटेंट्स भी बहुत ज्यादा होंगे। द सोयल इज पोरस एंड फर्टाइल, सच सोयल इज सीन इन गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड झारखंड। नीचे दिख रहा है पेनिनसुलर प्लेट में नीचे का पोर्शन ऐसे कवर कर रहा है रेड सोयल। ठीक है, और ऊपर भी यहां पर है ओडिशा, झारखंड वहां पर, और यहां पर आप देख सकते हो रेड सोयल, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर वहां पे भी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, नाउ लेटेराइट सोयल, लेटेराइट सोयल डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव इरोजन बाय रेन। रेन से बहुत ज्यादा लैंड का इरोजन हो जाए, मतलब ऊपर की लैंड है, सोयल है, वो बहकर चली जाए और नीचे जो बाकी बचती है रेन की वजह से। ठीक है, बहकर बहुत सारी लैंड ऊपर से सोयल चली जाए और नीचे जो बचता है वो क्या होता है, लेटेराइट सोयल होता है, मतलब कि जनरली रेन की वजह से एक्सेसिव इरोजन बाय रेन। रेन की वजह से धूल कर बहुत सारा पार्ट चला जाता है, उसे बोलते हैं एक्सेसिव इरोजन। ठीक है, ड्यू टू हेवी रेन द ह्यूमस कंटेंट्स फ्रॉम द टॉप सोयल डिसेंड्स इनटू द लोअर स्ट्रेटा विच इज कॉल्ड लीचिंग। ठीक है, रेन की बहुत ज्यादा रेन होता है इसलिए ऊपर लैंड के ऊपर जो ह्यूमस था वो बहकर चला जाए। ठीक है, और क्या बचता है, ओनली सोयल बचती है। ठीक है, मिट्टी बचती है जिसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा नहीं होता। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, एज द सोयल कंटेंट्स लेस ह्यूमस इट इज लेस फर्टाइल। इस टाइप की सोयल में ऑब्वियसली रेन से धुल कर चला जाएगा तो ह्यूमस बचेगा नहीं, इसकी वजह से ये सोयल क्या होती है, बहुत लेस फर्टाइल होती है। द रेड सैंड स्टोन्स
contain iron and aluminium. The erosion of these rocks results into its red color. Erosion धुल जाते हैं इसकी वजह से वो रेड कलर के दिखने लगते हैं. Such soil is found in mountainous region of Deccan, Karnataka, Kerala, Odisha and some parts of North East. ठीक है, लेटेराइट सोइल ग्रीन कलर का दिया है. देखो डेक्कन रीजन दिया है ऊपर आपको, हिमाचल प्रदेश के नीचे थोड़ा सा ग्रीन दिया है. ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है राजस्थान और मध्य प्रदेश में थोड़ा थोड़ा. ठीक है, फिर नीचे आपको गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का थोड़ा थोड़ा पार्ट, ठीक है, वहां पर दिख रहा है. और इस तरफ पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी थोड़ा सा दिख रहा है. ठीक है ना, माउंटेन चॉइस. ह्यूमस कंटेंट इज मोर ड्यू टू द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स का डेथ भी बहुत ज्यादा होता होगा. ठीक है, इसकी वजह से वहां पर ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है. ऑल्दो इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ठीक है, कहां पर है, अलग अलग जगह पर माउंटेन कैसे है उस पर डिपेंड करता है. सच सोइल ऑन शिवालिक रेंज इज लेस फर्टाइल एंड लेस डेवलप्ड. शिवालिक रेंज मतलब हिमालय का नीचे का जो रेंज है वहां की लैंड कैसी है, लेस फर्टाइल है, लेस डेवलप्ड. द सोइल इज सैंडी एंड पोरस एंड डज नॉट कंटेन ह्यूमस. इतना ज्यादा उसमें ह्यूमस नहीं होता. सच सोइल इज फाउंड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द कंट्री सच एज इन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न हिल रेंजेस, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर स्टेट्स. माउंटेन सोइल्स दैट इज फॉरेस्ट सोइल. ऊपर आपको दिख रहा ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का. ठीक है ना, माउंटेन सोइल एंड फॉरेस्ट सोइल बोथ आर सेम. हाँ ना, डेजर्ट सोइल. सच सोइल इज फाउंड इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. एरिड एंड सेमी एरिड मतलब ड्राई एरिया, एकदम ड्राई एरिया या तो थोड़ा बहुत ड्राई एरिया. ठीक है हाँ, तो ये ऐसी सोइल कहां पर मिलती है आपको देखने को ज्यादा सर, गुजरात, राजस्थान में डेजर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है. राजस्थान, गुजरात, थोड़ा बहुत पंजाब और हरियाणा में भी थोड़ा थोड़ा है. ठीक है हाँ, डेजर्ट पार्ट नहीं है मतलब कंप्लीटली ड्राई नहीं होगा, वहां पर क्या होगा सेमी एरिड रीजन होगा. ठीक है, सूखा ना. द सोइल हियर इज मोर अल्कलाइन एंड हैज लेस ह्यूमस कंटेंट. ऑब्वियसली डेजर्ट एरिया में एनिमल्स बहुत कम होते हैं तो ह्यूमस भी बहुत कम मिलेगा. एग्रीकल्चर हैज बीन मेड पॉसिबल इन सच सोइल ओनली थ्रू इरीगेशन. इरीगेशन से ही एग्रीकल्चर हो सकता है, उसका अपना कोई लैंड के अंदर ग्राउंड वाटर नहीं मिलता. ठीक है, दस अ लार्ज डाइवर्सिटी इन सोइल्स ऑफ द नेशन इज सीन ड्यू टू डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड रिलीफ फीचर्स. ठीक है, क्लाइमेट बहुत ज्यादा अलग अलग है इंडिया का अलग अलग पार्ट में, जिसकी वजह से सोइल में भी बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलता है. ठीक है, यहाँ पर आपको डेजर्ट सोइल दिया है, देखो ज्यादातर राजस्थान में ही दिखाया है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा है. पंजाब हरियाणा में बहुत कच्छ कम है और गुजरात के कच्छ पार्ट में भी है, बट कंपेयर टू राजस्थान बहुत कम है. ठीक है ना, कच्छ में आप देखो तो जो राजस्थान का रंग है वैसा नहीं है. गुजरात का डेजर्ट है वो राजस्थान के डेजर्ट के जैसा नहीं है. गुजरात का जो डेजर्ट है वो सफेद रंग है, मतलब राजस्थान के रंग की तरह वहां पर गोल्डन कलर की मिट्टी नहीं होती, रेत. ठीक है, व्हाइट कलर का नमक. पहले क्या था वहां पर, समुद्र था. धीरे धीरे वो प्लेट ऊपर आ गई अर्थक्वेक की वजह से, जिसकी वजह से वो पूरा नमक, जिस नमक से भर गया और पानी है वो नीचे चला गया. हाँ वो ही नमक, पर अब वो यूज नहीं हो सकता, इसलिए वो व्हाइट व्हाइट डेजर्ट बोला जाता है, सफेद रंग. ठीक है, राजस्थान में यस, राजस्थान की जो डेजर्ट की मिट्टी है वैसी नहीं है बेटा, वो वहां की मिट्टी का रॉक्स में से उस टाइप की मिट्टी निकलती है. ठीक है, डेजर्ट एरिया आपने देखा होगा राजस्थान के स्थान के साथ साथ सऊदी अरेबिया में भी बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है. सऊदी अरेबिया में भी डेजर्ट का क्या है, बहुत बड़ा एरिया है.
ठीक है, वहां के भी मिट्टी ऐसी ही है, डेजर्ट एरिया की मिट्टी, ठीक है ना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, इंडिया का क्लाइमेट कितना डिफरेंट है, कौन सी प्लेट मतलब किसकी वजह से, हाँ मतलब पूरा लैंड के बारे में देखा, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में हमने इस चैप्टर में ज्यादा देखा, ठीक है। कहाँ पर माउंटेन रीजन्स है, माउंटेन रीजन्स की हाइट कहाँ पर कितनी होगी, ठीक है, वो माउंटेन रीजन्स की वजह से कौन कौन सी रिवर कहाँ पर निकलती है वो भी हमने देखा, ठीक है। फिर ये रीजन्स की वजह से जो सोई बनती है वो सोई के टाइप्स देखे, ठीक है, सोई में कोई सोई में कितनी फर्टिलिटी होगी, कौन सी सोई है जिसमें फर्टिलिटी कम मिनरल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में देखा, क्लियर।